पके आम की जूस, मिठाइयाँ और आइसक्रीम तो आपने हजारों बार बनाई होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन और पके हुए आम की दो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत बहुत नई रेसिपी। और दोनों रेसिपीज़ आपने ना तो कभी देखी होगी और ना ही कभी खाई होगी। गारंटी देती हूँ, एक बार अगर आपने बना लिया ना तो इसे बार बार बनाने वाले हैं। पूरी गर्मी सभी को पसंद आती है, आप इसको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी बनाएं, सभी को बहुत पसंद आती है। और देखना, इस वीडियो को एक बार देख लेना तो बनाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मीठे और पके हुए आम। आम बिल्कुल भी खट्टे नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही हमें लेना है बेसन। तो मैंने यहाँ पर 2/3 कप के आसपास बेसन लिया है। इसकी मात्रा का आपको खास ख्याल रखना है, तो आप कोई से भी बारीक या मोटे कोई से भी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। चलिए सबसे पहले हम आम को अच्छे से छील लेते हैं और छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो ध्यान रहे, आम आपको बिल्कुल पके हुए लेने हैं, खट्टे आम का इस्तेमाल आपको इसमें नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, हमने आम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये लगभग आप अगर कप से नापेंगे तो ये भी लगभग 2/3 कप के आसपास ही है। तो चलिए इस आम के छोटे छोटे पीसेस को डाल देंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर, और इसके साथ ही हमने जो 2/3 कप बेसन लिया था वो भी डाल देंगे। तो ध्यान रहे, आपको बेसन और आम का जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल बराबर लेना है, या फिर आप चाहें तो आम की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन बेसन की क्वांटिटी कम बिल्कुल नहीं करनी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर, तो 1 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी। आपको ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आम ज़्यादा मीठे हैं तो आप चीनी कम डालें, या फिर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब लिया है मैंने पानी, तो 2/3 कप ही पानी लेंगे, लेकिन अभी पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे। और उसके बाद इसको पहले पीस लेते हैं एकदम बारीक सा पेस्ट, ये भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो इसको पहले पीस लेते हैं, फिर हम इसमें बाकी पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है, अच्छे से मैंने इनको पीस लिया है और एकदम स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है, देखिए ये देखिए। तो अब इसमें बाकी का बचा हुआ पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इस मिक्सचर को निकाल देते हैं हम एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल के अंदर। तो यहाँ देखिए, ये मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं बोल में, और इसी जार में हम जो बचा हुआ पानी है वो डालकर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो पेस्ट है वो वेस्ट ना हो जाए। और वापस से हम इस मिक्सचर को डाल देंगे बोल के अंदर। पानी की क्वांटिटी आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए मिक्सचर हमारा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, लगभग 4 टेबल स्पून के आसपास, और इसको भी डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ हमारा आम और बेसन का घोल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जितना आपको आम का पल्प लेना है उतना ही आपको बेसन लेना है, या फिर आप आम का पल्प थोड़ा कम कर सकते हैं, बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मिक्सचर हमारा तैयार है, चलिए इसको कुक करते हैं। कैसे कुक करना है आइए देखते हैं। इस मिक्सचर को पकाने के लिए आप नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन यहाँ पर गैस पर रख दिया है, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मिक्सचर की आप। और इसे इसमें हमें कुछ भी ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम डाल देंगे इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, और इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। आपको फ्लेम बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, नहीं तो बेसन में जल्दी ही गुठलियाँ आ जाएंगी और आप इसकी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बना पाएंगे। इसलिए लगातार धीरे धीरे चलाते रहें, और फ्लेम को हमें लो से मीडियम ही रखना है। अच्छी तरीके से मिलाएंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लगेगा, ये देखिए। तो लगातार चलाते रहे। अगर आप नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पैन में आप 1/2 छोटी चम्मच घी या फिर कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, जिससे कि चिपके नहीं। वैसे अगर आप नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अच्छे से कुक हो चुका है। इसका एक पहचान मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो छोटे छोटे बबल्स उठते हैं, ये देखिए, मतलब ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। इसे मैंने लगभग 10 से 12 मिनट पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। चलिए इसको चेक करने का एक और तरीका बताती हूँ मैं। दूसरे किसी भी प्लेट पर आप इस तरीके से लगाइए बिल्कुल पतली सी लेयर, और थोड़ी देर इसको ठंडा होने दीजिए। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं, और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे, ताकि ये गर्म है तो गुठलियाँ ना पड़े, और गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे ढक कर रख देंगे। यहाँ देखिए, लगभग 3-4 मिनट के बाद ये जो मिक्सचर हमारा हमने प्लेट पर फैलाया था वो कुछ इस तरीके से निकलने लगता है, ये देखिए। जैसे आप खांडवी बनाते हैं ना, बस वही बनानी है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये रोल होने लगता है, मतलब ये बढ़िया से तैयार हो चुका है, अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी खांडवी तैयार करेंगे। तो खांडवी को फैलाने के लिए मैंने यहाँ पर थाली ली है और एक बड़े साइज़ का ट्रे लिया है। आपके पास जितने बड़े साइज़ का प्लेट हो वो ले सकते हैं। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाकर हल्का सा चिकना करेंगे, ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा डालें। और अब हम
थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर डालकर बिल्कुल पतली सी लेयर फैलाएंगे। इस तरीके के स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी तरीके से फैलेगा, या फिर आप चम्मच से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही पतली सी लेयर फैलानी है, तो ट्रे के ऊपर भी और थाली के ऊपर भी हम लगा लेंगे अच्छी तरीके से, और इसे हम 5 से 7 मिनट तक रख देंगे साइड में ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके इस तरीके से पीसेस काटेंगे। तो थोड़े से मैंने चौड़े चौड़े पीसेस कट किए हैं क्योंकि बाद में हमें इनको छोटा करना है। और बिल्कुल ध्यान से केयरफुली अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद ही इसको उठाइए, अगर ये गर्म रहेंगे तो अच्छी तरीके से रोल नहीं होंगे। और ये देखिए, इनको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से रोल कर लीजिए। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। बेसन और आम का जो फ्लेवर इसके अंदर आता है ना, वो बहुत ही कमाल का आता है। तो ये देखिए रोल हो गया है अच्छी तरीके से, सारे हम स्टेप को इसी तरीके से रोल कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा मैंगो बेसन की खंड भी बनकर तैयार है, इससे हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए, सारे रोल्स हम रेडी करके साइड में रख लिए हैं। अब हम इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे, लगभग आधा इंच जितना टुकड़ा करेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो बड़े बड़े पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे पीसेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, सारे हमने खांडवी के रोल्स को कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप दही। दही आप घर की बनी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले हम 1 कप दही डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 2 बड़े चम्मच के आसपास, और 1 कप ये दही को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर करना है। और बाकी का बचा हुआ 1/2 कप दही भी हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ सा टेक्सचर हो जाए, इतना हमें मिलाना है। तो दही हमारे बिल्कुल तैयार है। चलिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, लगभग 1 छोटी चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा नमक, 1/2 छोटी चम्मच के आसपास। हमें ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको मीठा दही नहीं पसंद है तो आप सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल करें। अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ 2 बर्तन में। तो एक को हम साइड में रख लेते हैं और चलिए सबसे पहली रेसिपी बना लेते हैं। तो इसमें हमने जो छोटी छोटी खांडवी बनाकर रखी है ना, वो डाल देंगे। तो लगभग 7-8 खांडवी हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर डाल देते हैं और इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाइए, नहीं तो जो खांडवी है वो खुल जाएगी, इसलिए धीरे धीरे मिलाइए। थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे लाल मिर्च की पाउडर, लगभग चुटकी से डालेंगे 2 पिंच के आसपास। थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, ये भी मैंने 1 पिंच डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। भुना हुआ जीरे का पाउडर लिया है मैंने, यानी जीरे को मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था और उसके बाद उसका बारीक पाउडर कर लिया है, वो भी हम डालेंगे लगभग 2 पिंच के आसपास। थोड़ी सी आम की चंक्स डालेंगे इसके ऊपर, ये देखिए। और लीजिए, हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी रायता बनकर तैयार है। इसे आप फ्रिज में रखिए और ठंडे ठंडे इंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ, ये सबसे मज़ेदार और मेरा फेवरेट है। तो वापस से सेम तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे खांडवी के पीसेस। और चलिए, इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। सबसे पहले एक तड़का पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी या फिर तेल, 1 छोटी चम्मच डाला है मैंने। इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच राई के दाने या फिर सरसों के दाने, 1/4 छोटी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, और अब डालेंगे करी लीव्स या फिर बारीक कटे हरे धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते या फिर करी लीव्स डालते ही हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे हम डाल देंगे ये रायते के अंदर, ये देखिए, और इसे सर्व करते समय मिलाकर ही सर्व कीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हैं और मेरा सबसे फेवरेट रायते में से एक है। तो कैसी लगी आपको ये दोनों तरीके की रेसिपी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये मैंगो खांडवी के रायते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हैं, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। दोनों तरीका आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इन्हें आप थोड़ा सा फ्रिज में रखकर ठंडा कीजिए और आप इसे किसी भी खाने के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद से इसे खाएंगे। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही और भी अगर आपको मैंगो की रेसिपीज चाहिए तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इन्हें निकाल कर दिखाती हूँ, कितने मज़ेदार लगते हैं ये। इसमें जो खांडवी के अंदर मैंगो का टेस्ट आता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगते हैं इससे।
दोनों रायतों में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये तड़के वाला है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गजब का है। तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा दोनों रेसिपीज़ को और हमें बताइएगा कि कैसी लगी। चलिए तड़के वाला भी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा गाइस। और अगर आपको और भी नई नई रेसिपीज़ देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि रोज़ आपको एक नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।